वो अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करने वाले हैं इस जापानीज हीटर के बारे में, ठीक है। इसको जापानीज हीटर, पाकिस्तान में इसको जापानी हीटर ही बोला जाता है। वैसे जो इसका नाम है ब्लोअर गैस फैन हीटर, ठीक है। और इसके अलावा इसको इलेक्ट्रिक गैस हीटर भी बोला जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी बिजली और थोड़ी सी गैस लेता है और बहुत थोड़ा सा बिल आता है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम पूरा दिन में 5 घंटे भी चलाएं, तो पूरे दिन में 5 घंटे चलने के बाद भी ये सिर्फ 0.3 HM³ गैस इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप पूरे दिन में अगर डेली 5 घंटे चला रहे हैं, तो महीने बाद ओनली 300 बिल आएगा गैस का। तो आपको पता है गैस का रेट कितने ज़्यादा हाई हो गया है। तो एक बहुत सेफ़ और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये सेफ़ किस तरह से है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताती चलूँ कि पाकिस्तान की जो गैस की पॉलिसी है, उसके हिसाब से अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अपने जो गैस की रीडिंग है वो 0.9 HM³ से कम रखते हैं, तो आपको जो मीटर रेंट है वो आपको बाकी पूरा साल नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करके और इंस्टेंट गीजर को, या फिर दिन में दो दो या तीन स्टोव इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी जो रीडिंग है वो 0.9 HM³ से कम ही रहती है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ बहुत कम बिल आता है। किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है और ये किस तरह से ज़्यादा सेफ है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये इसकी प्राइस क्या है वो हम मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताती हूँ। पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लें। अच्छा जी, अब हम इसके वोल्टेज की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो मीटर रेंट होता है वो हर मंथ हमारा 500 जा रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो मीटर रेंट हर मंथ हमारा 500 जो है बिल में से वैसे ही बच जाता है, और ऑलरेडी इसकी वजह से बिल बहुत कम आता है। अच्छा जी, कुछ बातें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये सारी जापानीज ही लिखी हुई है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये इसका मॉडल नंबर है, ठीक है, GFH3500S, ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। ये इसके वोल्टेज लिखे हुए हैं, इसके 100 वोल्टेज हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बिजली है ना वो 220 वोल्ट की है। तो जब वो जापान से यहाँ पे आते हैं तो इनके अंदर 220 वोल्ट की डिवाइस डाल के इसकी एम्पलीफिकेशन कर दी जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात अगर हम करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी है कि किस फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो 50/60 Hz की फ्रीक्वेंसी है इसकी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके वाट लिखे हुए हैं, 16 वाट का है ये। तो इसका हिसाब क्या हुआ कि अगर जो आपके घर में चलने वाला बल्ब है ना लाइट का, ये सिर्फ उतनी इलेक्ट्रिसिटी लेता है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी ये बहुत कम लेता है। अदरवाइज जो दूसरे इलेक्ट्रिसिटी के हीटर होते हैं वो अच्छी खासी जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे अच्छा खासा बिजली का बिल बन जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक बल्ब के बराबर लेता है। अच्छा जी, ये इसकी कंपनी लिखी हुई है, नोटिस कॉरपोरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका मतलब है ये नोटिस कंपनी के, जापान में दो ही कंपनीज इस टाइम ये बना रही हैं, पाकिस्तान में जो ज़्यादा आ रहे हैं वो नोटिस कंपनी के हैं, तो ये भी नोटिस कंपनी के, ठीक है। ये तो हो गई इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट बात अब हम जो करते हैं ना, तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पे एक नेट सी लगी हुई है, ये इसका फिल्टर है, ठीक है। यहाँ से हवा फिल्टर होके आती है ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए और ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म हमारा साथ दे और चलता रहे, ठीक है। तो इसको उनकी रिकमेंडेशन है, यहाँ पे इनकी सेफ्टी की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, अगर हम इन सबको पढ़ें तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसको आपने मंथली साफ करना है। अगर आप मंथली साफ नहीं करेंगे तो यहाँ पे अलार्म जो है ना वो बजने लग जाएगा। इसको साफ किस तरह से करना है, ये नॉब है, इसको आपने ईजिली घुमाना है, तो ये जो है ईजिली बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको यहाँ से निकाल लेना है, निकाल के अच्छे से साफ कर लेना है किसी भी हल्के दांतों वाले ब्रश या किसी भी कपड़े से, ठीक है, ताकि सारी डस्ट जो है रिमूव हो जाए। और इसको लगाना दोबारा बहुत इजी है, ये यहाँ पे दो नॉब है जिनको आपने इसके अंदर एंटर करना है, तो ये ऊपर से खुद ही जो है साथ जो है एंटर हो जाता है। देखें जी, इस तरह से बहुत आसान है इसको। अच्छा जी, लगा के इसको आपने थोड़ा सा यहाँ से नीचे फिट करना है ताकि जो है ना इजीली ये इसके अंदर बंद हो जाए, ठीक है। इसके बाद इसको आपने बंद। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात इसके इस्तेमाल के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि इस्तेमाल का भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से करना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सारी ना अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है, जापानीज है, तो हम सबके लिए तो ये पढ़नी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ लें या कोई पढ़ना जानता हो, तो इसमें ये तीन बातें लिखी हैं जो मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट करके लगाई हुई हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो इसकी इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जब इसको आपने चलाना है ना, ये मैं आपके इसके सेफ यूज़ के लिए आपको बता रही हूँ, जब भी हमने इसको चलाना है हमने थोड़ी सी विंडो ओपन रखनी है ताकि वेंटिलेशन रूम में प्रॉपर रहे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये हीटर है तो सफोकेशन काज करवाता है। दूसरी जो इसकी प्रिकॉशन है वो ये है कि इसके पास कोई भी परफ्यूम या एरोसोल की बोतल नहीं होनी चाहिए, उससे क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकती है, ठीक है। और थर्ड बात ये कि इसको टच नहीं करना जब भी ये चल रहा हो, बेशक ये प्लास्टिक नज़र आ रहा होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इनको टच करेंगे तो ऑब्वियसली हाथ पे जलेगा, ठीक है, जलेगा, जहम होगा, ठीक है। दूसरी बात ये जो है ये इसका पैनल है, इसके बारे में बता दूं क्योंकि ये भी सारा जापानीज में है, तो इस्तेमाल करते हुए मुश्किल पेश आती है आप लोगों की आसानी के लिए। ये देखें, ये इसका मतलब है, ये यहाँ पे हमने इसको ट्रांसलेट करके सारा
तो चिप्स ना कर दिया है। इस पर भी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास यही मॉडल है तो आप इसको इस्तेमाल कर करते हुए यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको बाकी चला के दिखाती हूँ। यहाँ पीछे जी इसका गैस का पाइप लगता है, मैं पाइप अटैच करती हूँ, स्विच लगाती हूँ और फिर आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, लगा के और चला के दिखाती हूँ और पैनल के बारे में सारी बात बताती हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पर गैस लगानी है। अच्छा जी, ये इसकी नॉब बनी हुई है ये गैस का पाइप अटैच करने के लिए, क्योंकि जो थोड़ी सी गैस इसने लेनी है ना वो इसी कनेक्शन से लेनी है। अच्छा जी, अब हमने इसका गैस का पाइप अटैच किया है, इसका स्विच अटैच किया। ठीक है, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ऑन ऑफ। यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे तो इसकी यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, ये देखें, और साथ ही एक छोटी सी टिक की आवाज़ आती है और इसमें से गर्म हवा आने लग जाती है अगर आपकी गैस साथ अटैच है। अगर गैस साथ अटैच नहीं तो ये ठंडी हवा देगा। ठीक है, तो गैस का पाइप साथ अटैच होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बारी बारी सारे बटन्स का बता देती हूँ। ये जो बटन है ना, इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग बटन। ठीक है, अगर आप इस पे टाइमिंग सेट करते हैं ना कोई भी, तो आप जब इसको प्रेस करते हैं तो ये सुबह उस टाइम जो आपने टाइम सेट किया हुआ है उस टाइम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मतलब आप अभी सो रहे हैं लेकिन आपने सुबह का लगाया हुआ है तो ये उस टाइम ऑन हो जाएगा। ये जो दूसरा बटन है ये गुड नाइट बटन होता है। जब आप इसको प्रेस करते हैं और आप इजीली सो सकते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि जब आपने इसको प्रेस कर दिया और आप सो गए हैं तो ये 30 मिनट बाद खुद ही बंद हो जाएगा। ये हमेशा 30 मिनट में बंद होता है। यहाँ पर 30 का वर्ड लिखा हुआ है कि अगर आप ये प्रेस करते हैं तो ये 30। अच्छा जी, अब ये रीडिंग दिखा रहा है किस चीज़ की, ये करंट रूम टेम्परेचर दिखाता है। ये जो ऊपर लाइट ऑन होती है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है, इन्होंने अपनी जापानीज में ही लिखा हुआ है लेकिन इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंग्लिश में करंट रूम टेम्परेचर। करंट रूम टेम्परेचर हमारे रूम का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये जो नीचे है ना लाइट, ये बताती है कि हमने कौन सा टेम्परेचर सेट करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने टेम्परेचर सेट करना है तो ये प्लस का जो साइन है ना, इस बटन से मैं रूम के टेम्परेचर को सेट कर सकती हूँ। ये देखें, 23 हमारा सेट था, इसको मैं बढ़ा के 24 कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ। 23 ये कम करने वाला है जो नेगेटिव वाला है, 22। ठीक है, 22 पे चले मैंने रख लिया अपना रूम का टेम्परेचर। 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद ये अगेन करंट रूम टेम्परेचर शो करने लग जाता है, जैसा कि आप अभी इसको देखेंगे। तो जी, अगर ये दोनों बटन हम इकट्ठे प्रेस करते हैं ना इस तरह से करके, तो ये देखिए ग्रीन कलर की ये इन्होंने लॉक की बनाई हुई है। इसका मतलब है कि सारे बटन बाकी लॉक हो गए। चाइल्ड लॉक होता है, सेफ्टी के लिए होता है बेसिकली, कि बच्चे किसी बटन को टच ना कर सकें। ठीक है, अब कोई और बटन जो है वो नहीं काम करेगा जब ये चाइल्ड लॉक ऑन है। ठीक है, अच्छा जी, ये एक बटन है, ये हमारी जो जितनी भी हमने यहाँ पर तब्दीलियाँ की हैं, टेम्परेचर सेट किया है, गुड मॉर्निंग ऑन किया है, गुड नाइट ऑन किया है, ये उनको सेव करने के लिए होता है। इसका मतलब होता है सेव। जब हम इसको ऑन कर देंगे तो इसका मतलब है हमने अपनी जितनी भी चेंजिंग की है टेम्परेचर सेट की, उनको सेव कर लिया। अच्छा जी, इसका मतलब है ये जो बटन है ना, इसके ऊपर अगर लाइट ऑन हो या ब्लिंक कर रही हो, इसका मतलब है कि हमारा फिल्टर गंदा हो चुका है, उसको अब हमने साफ करना है। वही फिल्टर जो मैंने सबसे वीडियो के स्टार्ट में आपको साफ करना बताया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लाइट चल रही है या ब्लिंक करके चल रही है तो आपने सबसे पहले काम एमरजेंसी में उस फिल्टर को साफ करना है, अदरवाइज यहाँ से हवा भी नहीं आएगी और अंदर डस्ट इकट्ठी होने लग जाएगी। ठीक है, तो वो इसके लिए फिर खतरनाक होता है। दूसरी बात ये मैंने आपको बता दी कि बहुत ज़्यादा सेफ है। सेफ किस तरह से है कि अगर हमारी गैस, जैसे कि पाकिस्तान में आपको पता है गैस चली जाती है, तो अगर गैस चली जाती है और वापस आ रही है रात के किसी भी पहर, तो ये जो है ये नहीं चलता। ठीक है, बल्कि इसके अंदर एक अलार्म स्टार्ट हो जाता है, एक अलार्म ट्यून बजने लग जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस आ चुकी है, लेकिन ये फिर भी नहीं चलता बेशक गैस आ भी जाए, जब तक हम इसको दोबारा खुद से ऑन नहीं करेंगे। अच्छा, और इसमें कोई गैस की लीकेज भी नहीं है। ठीक है, ये अगर गैस चली जाती है या अगेन आ रही है तो ये ऑटो शट गैस जो है ऑटो शट डाउन है, गैस बंद हो जाती है, गैस नहीं आती, बल्कि इसमें अलार्म चलता है आपको खबरदार कर देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेफ है, इसमें गुड मॉर्निंग है, गुड नाइट है, आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, खुद ही चलता है, खुद ही बिल्कुल जिस तरह से एक एसी काम करता है ना कमरे को कूल रखने के लिए, ये काम करता है, कमरे को हॉट रखता है और कमरे का इतना अच्छा टेम्परेचर सेट करता है और इतनी ज़्यादा सफोकेशन भी नहीं करता। अगर आपका रूम जो है वो 14x18 का है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपका कमरा, आप 1 घंटा चलाएं, आपका कमरा अगले 3 घंटे बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो हवा आती है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। इसका एक और फ़ायदा जो एज अ मदर मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कोई भी चीज़ बच्चों के फीडर आप इससे थोड़े से फासले पे भी रखेंगे तो वो हॉट रहेंगे। ठीक है, इसके बिल्कुल करीब ना रखें, थोड़े से फासले पे भी रखेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं बच्चों के खाने वाली, आपको पता है बच्चों की चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल गर्म रहती हैं। ये इसका बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, हमने इसकी प्राइस, अब मैं आपको बताती चलूँ, इसकी प्राइस जो है वो 17 से लेके 20,000 के दरमियान मिल जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है आप किस मार्केट से ले रहे हैं। वैसे हमें ये 18,000 में मिला है, लेकिन ये कहीं पे 17, कहीं पे 18, 19, इस तरह से इसी रेंज में मिल रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी मार्केट है। अच्छा जी, ये सारी इसकी बातें थी, आप भी इसको लें, सेफ है। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।